दोस्तों, क्यों माँ पार्वती ने दिया श्री हरि और शिव जी को श्राप। एक बार महादेव जी माता पार्वती संग चौसर खेलते हुए सब कुछ हार गए और पत्तों से बने वस्त्र पहनकर कार्तिकेय संग गंगा तट पर चले गए। चिंतित माँ पार्वती जी ने रूठे हुए शिव जी को मनाने और वापस लाने के लिए गणेश जी को भेजा, पर भगवान शिव जी ने लीला करते हुए कहा, वो अवश्य लौटेंगे, लेकिन पार्वती जी को हमारे साथ दोबारा से चौसर खेलना होगा। अब फिर से शिव शक्ति के बीच प्रेम पूर्ण चौसर शुरू हुआ, पर इस बार शिव जी को जिताने के लिए श्री हरि और कार्तिकेय जी ने चौसर का रूप ले लिया और शिव जी लगातार जीतने लगे। पर गणेश जी सब कुछ समझ गए और उन्होंने माँ उमा को पासों का सच बता दिया। इस पर माँ उमा ने रूठ कर शिव जी को सदा सिर पर गंगा जी का बोझ रखे रहने का और कार्तिकेय को सदा बालक रूप में रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्री हरि को श्राप दिया कि रावण आपका शत्रु होगा, रावण का विनाश आपके हाथों ही होगा। माता के ये श्राप जगत के लिए सुखदायी साबित हुए। श्री उमापति महादेव की जय।